सो हेलो जी, कैसे हो सारे? होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम लोग रिव्यू देखने वाले पूर्णिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का। इसमें हम लोग एक एक चीज़ इन डिटेल कवर करेंगे, जैसे कि कट ऑफ कितना परसेंटाइल आपको स्कोर करना रहेगा इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, प्लेसमेंट्स यहाँ से आपका जॉब्स वगैरह लग रहा होता है कि नहीं लग रहा होता है, फी स्ट्रक्चर यहाँ से डिग्री कंप्लीट करने में कितना आपका फी लगने वाला, और कैंपस फैसिलिटीज़ यानी कि कैंपस के अंदर आपको कौन से फैसिलिटीज़ मिल रहे होंगे, एक एक चीज़ हम लोग इन डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अगर पीसी पूर्णिया के ओवरव्यू का बात करें तो ओवरव्यू में सबसे पहला चीज़ आता है हमारा इंस्टीट्यूट नेम, यानी कि कॉलेज का नाम क्या है। तो कॉलेज का नाम है हमारा पूर्णिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पूर्णिया, ठीक है, यानी कि पीसी पूर्णिया। अगर इंस्टीट्यूट टाइप का बात करें कि कॉलेज आपका कैसा है, प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है, तो कॉलेज आपका फुल्ली गवर्नमेंट है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, बिहार स्टेट के अंदर, ठीक है। अगर इस्टेब्लिश का बात करें कि इस कॉलेज का निर्माण कब हुआ था, तो इस कॉलेज का निर्माण 2017 में हुआ था और इसके 3 बैच पास आउट हो चुके हैं, ठीक है। अगर लोकेशन का बात करें कि ये कॉलेज कहाँ प्रेजेंट है, तो ये कॉलेज आपका प्रेजेंट है पॉलिटेक्निक चौक सुभाष नगर पूर्णिया बिहार 85-43-01, ठीक है, ये इसका प्रॉपर लोकेशन हो गया। इस लोकेशन के थ्रू आप यहाँ विजिट भी कर सकते हैं। सो अगर मोड ऑफ एडमिशन का बात करें कि कैसे आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, तो बेसिकली 2 एग्जाम्स के थ्रू आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। पहला है आपका जेईई मेन, दूसरा आपका बीसीईसी। देखिए, जो जेईई मेन एग्जाम है आपको 12th के बाद देना रहता है और 12th के 3 साल बाद तक दे सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपका पीजीएम होना चाहिए 12th में और तीनों सब्जेक्ट्स में आपको पास रहना होगा 12th में, ठीक है। दूसरा है हमारा बीसीसी। बीसीसी भी आप 12th के बाद ही दे रहे होते हैं, लेकिन बीसीसी का ये फायदा है कि इसके लिए कोई अटेम्प्ट लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं, आप कभी भी दे सकते हैं बीसीसी का एग्जाम। लेकिन यहां पर एक ध्यान रखने वाला बात यह है कि जो जेईई मेन होता है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। पहले आपका जेईई मेन से एडमिशन हो रहा होता है और जब जेईई मेन से सीट कुछ बच जाते हैं तब बीसीसी को प्रेफरेंस मिल रहा होता है, यानी कि जो जेईई मेन का बच्चा है उसको पहले सीट मिलेगा, फिर उसके बाद बीसीसी को कंसीडर किया जाएगा। तो अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मेरा सजेशन रहेगा आप जेईई मेन एग्जाम के थ्रू आएं, क्योंकि आपके पास बहुत सारा ब्रांच का ऑप्शन रहेगा पहले, तो आप मन पसंदीदा ब्रांच ले सकते हैं यहां से अपने परसेंटाइल के अकॉर्डिंग। इसी पूर्णिया के कोर्सेज प्लस सीट मैट्रिक्स का बात करें कि आपको इस कॉलेज में कौन से कोर्स और कौन से ब्रांच और उसमें कितने कितने सीट्स मिल रहे होते हैं, तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे बीटेक कोर्स के बारे में, जो कि आपका ग्रेजुएशन कोर्स हो रहा होता है 4 साल का। और इसमें ब्रांचेस का बात करें तो आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल रहा होगा जिसमें आपको 60 सीट मिल रहे होंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल रहा होगा जिसमें आपका 60 सीट प्रेजेंट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रहा होगा जिसमें आपका 30 सीट प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल रहा होगा जिसमें आपको 60 सीट प्रेजेंट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल रहा होगा जिसमें आपको 60 सीट प्रेजेंट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो कि आपका एफिलेटेड है एआई के साथ यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो मिल रहा होगा जिसमें आपको 60 सीट प्रेजेंट है, और आपको मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल रहा होगा जिसमें आपका 30 सीट प्रेजेंट है, यानी कि टोटल आपका 360 सीट आपको इस कॉलेज के अंदर मिल रहा होगा। और इन सारे ब्रांच में आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। सो अगर कट ऑफ का बात करें कि कितने परसेंटाइल पर आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, ठीक। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 28 परसेंटाइल से एवब लाना रहेगा, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 23 परसेंटाइल से एवब लाना रहेगा, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 13 परसेंटाइल से एवब लाना रहेगा, और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 6 परसेंटाइल से एवब लाना रहेगा पीसी पूर्णिया में मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए। सो अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कट ऑफ का बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 47 परसेंटाइल से एवब लाना रहेगा, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 42 परसेंटाइल से एवब लाना रहेगा, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 30 परसेंटाइल से एवब लाना रहेगा, और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 25 परसेंटाइल से एवब लाना रहेगा पीसी पूर्णिया में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के कट ऑफ का बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 58 परसेंटाइल से एवब लाना रहेगा, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 53 परसेंटाइल से एवब लाना रहेगा, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 42 परसेंटाइल से एवब लाना रहेगा, और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 36 परसेंटाइल से एवब लाना रहेगा पीसी पूर्णिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए। सो अगर सिविल इंजीनियरिंग के कट ऑफ का बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 67 परसेंटाइल से एवब लाना रहेगा, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 61 परसेंटाइल से एवब लाना रहेगा, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50 परसेंटाइल से एवब लाना रहेगा, और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40 परसेंटाइल से एवब लाना रहेगा सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए
पीसी पूर्णिया के अंदर। सो अगर कैंपस फैसिलिटीज का बात करें कि आपको इस कॉलेज के अंदर कौन से फैसिलिटीज मिले होंगे, तो सबसे पहले हमारा कंप्यूटर सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज है तो कंप्यूटर सेंटर होगा ही, यानी कि कंप्यूटर लैब जहाँ पर आप जाकर के अपने सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दूसरा आपका सेंट्रल लाइब्रेरी, यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छा सा लाइब्रेरी देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ पर आप बुक्स वगैरह इशू करा सकते हैं, फिर जाकर के वहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी का ये फायदा कि इंजीनियरिंग में आपको कितना भी बुक्स का जरूरत पड़ जाए सारा आपका लाइब्रेरी में मिल रहा होता है, एक भी बुक परचेज करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर बात करें ऑडिटोरियम का, तो आपको यहाँ पर ऑडिटोरियम भी मिल रहा होगा जहाँ पर आप जाकर के अपने पार्टीज वगैरह कर रहे होंगे, जैसे कि फ्रेशर पार्टी। आप जैसे ही कॉलेज में जाएंगे तो आपको पहले साल में ही फ्रेशर पार्टी मिल रहा होगा, फ्रेशर पार्टी, एनुअल पार्टी, फेस्ट वगैरह सारा आपका ऑडिटोरियम में ही हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्मार्ट क्लासेस, यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस भी देखने के लिए मिल रहे होंगे जहाँ पर आपको सारा चीज स्मार्टली समझाया जाएगा स्मार्ट बोर्ड के ऊपर विजुअलाइज करा करके। नेक्स्ट है हमारा क्लासरूम्स एंड लैब्स, जितने भी आपके ब्रांच है सारे ब्रांच के सारे सब्जेक्ट्स के क्लासरूम्स और आपको लैब्स मिल रहे होंगे। ठीक है, सो अगर हॉस्टल की बात करें तो आपको यहाँ पर हॉस्टल्स भी मिल रहे होंगे, बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल दोनों मिल रहे होंगे। अगर हॉस्टल के अंदर फैसिलिटीज़ का बात करें तो आपको वाईफाई का फैसिलिटी मिल रहा होगा, वॉशिंग मशीन का फैसिलिटी मिल रहा होगा, वाटर कूलर का फैसिलिटी मिल रहा होगा, टीवी रूम का फैसिलिटी मिल रहा होगा, यानी कि आपको हॉस्टल के अंदर भी बहुत सारा फैसिलिटी मिल जाता है। ठीक है, अगर कैफेट एरिया का बात करें तो कैफेट एरिया आपको बहुत ही अच्छा मिल रहा होगा इस कॉलेज में, जहाँ पर आप जाकर के दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं। अगर कॉमन रूम का बात करें तो यहाँ पर आपको कॉमन रूम भी मिल रहा होगा, कॉमन रूम जहाँ पर आप जाकर के डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं। स्पोर्ट्स सेंटर, यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा स्पोर्ट्स देखने के लिए मिल जाएगा स्पोर्ट्स सेंटर, जहाँ पर आप जाकर के आउटडोर या फिर इंडोर कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। और स्पोर्ट्स का तो कल्चर ऐसा है कि इंट्रा कॉलेज से मैच से स्टार्ट होता है और इंटर कॉलेज तक प्रॉपर स्टेट लेवल पर मैच हो रहा होता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें तो आपको गार्डन भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा, ऑब्वियस बात है कैंपस है तो गार्डन होगा ही होगा, काफ़ी बड़ा कैंपस है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है ये। तो अगर फी स्ट्रक्चर का बात करें कि अगर आप यहाँ से बीटेक डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आपको कितना फी लगने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए। ठीक है, क्योंकि इन दो कैटेगरी के लिए सेम फी लग रहा होता है। तो अगर एडमिशन फ़ी का बात करें तो एडमिशन फ़ी आपका 10 रुपये लग रहा होता है इस कॉलेज में, क्योंकि सरकारी कॉलेज है तो फ़ी काफ़ी कम है, एडमिशन फ़ी सही में आपको 10 रुपये ही देना रहता है। डेवलपमेंट फ़ी आपको 2500 रुपये देना रहता है पर ईयर। ठीक है, डेवलपमेंट फ़ी आपको 2500 देना रहता है पर ईयर। ट्यूशन फ़ी आपको देना रहता है 120 रुपये पर ईयर। आप सोच सकते हैं इस कॉलेज का फ़ी कितना कम है, ट्यूशन फ़ी 120 रुपये पर ईयर, यानी कि 10 रुपये पर मंथ, आप समझ सकते हैं। देखिए, जो एडमिशन फ़ी है, डेवलपमेंट फ़ी और ट्यूशन फ़ी है, वो एडमिशन कराते से ही ले लिया जाता है पहले साल के अंदर। ठीक है, जिसमें आपका डेवलपमेंट फ़ी भी आ जाता है, ट्यूशन फ़ी भी आ जाता है और एडमिशन फ़ी भी आ जाता है। यानी कि अगर आप एडमिशन कराने जाते हैं तो आपसे 2630 रुपये चार्ज किया जाएगा। ठीक है, अगर रजिस्ट्रेशन फ़ी का बात करें तो रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको 2100 रुपये देना रहेगा, जो कि वन टाइम ही देना रहता है जब आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा होता है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम फ़ी का बात करें तो एग्ज़ाम फ़ी आपको 3700 रुपये देना रहेगा पर सेमेस्टर। सेमेस्टर आपका टाइम ड्यूरेशन होता है, जैसे कि ईयर आपको पता होगा इंजीनियरिंग कॉलेजेस के एग्ज़ाम सेमेस्टर बेसिस पर होते हैं, तो पर सेमेस्टर आपको 3700 रुपये देना रहेगा एग्ज़ाम फ़ी। अगर हॉस्टल फ़ी का बात करें तो हॉस्टल फ़ी आपका लग रहा होगा 1000 रुपया पर मंथ। ठीक है, अगर आप यहाँ हॉस्टल लेते हैं रहने के लिए इस कॉलेज में तो हॉस्टल फ़ी आपका लगेगा 1000 रुपये पर मंथ। अगर मेस फी का बात करें तो मेस फी आपका लग रहा होता है 3000 रुपया पर मंथ। ठीक है, देखिए जो मेस फी है थोड़ा फ्लैक्चुएट भी हो रहा होता है, क्योंकि डिपेंड करता है मेन्यू के ऊपर आप कैसा खाना चाहते हैं मेस से, और ये चेंज भी होते रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को खाना पसंद नहीं आता है तो वो लोग से मेन्यू डिजाइन करके दे रहे होते हैं, तो उसके ऊपर आपका मेस फी वेरी हो रहा होता है। बट इतना है कि 3000 के आसपास ही रहता है, कभी 3300 तो कभी 3500, बट 3500 से ज्यादा नहीं जाता है आपका मेस फी। सो अगर बात करें टोटल खर्च का, कि अगर आप यहाँ से बीटेक डिग्री कंप्लीट करते हैं तो 4 साल में कितना खर्च होने वाला रहता है, तो टोटल खर्च आपका होता है 42,190 रुपया। आप सोच सकते हैं कि 4 साल में इंजीनियरिंग करने का टोटल खर्च है 42,190 रुपया, जो कि 1000 रुपया पर मंथ से भी कम है। ठीक है, एक बात आपको ध्यान में रखना है कि मेस फी और हॉस्टल फी यहाँ पर एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि मेस फी और हॉस्टल फी को कॉलेज फी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये आपका रहने का और खाने का खर्चा है, आपका लग ही रहा होगा कहीं भी आप रह रहे होंगे। ठीक है, सो अगर इसको हटा करके बात करें तो काफ़ी सस्ता पड़ जाता है ये आपका कॉलेज, मात्र 42,190 रुपये में यहाँ से आपका पूरा बीटेक कंप्लीट हो रहा होगा। सो अगर एससी एसटी के फी स्ट्रक्चर का बात करें तो यहाँ पर आपको एडमिशन फ़ी देना रहेगा 10 रुपया, आपको डेवलपमेंट फ़ी देना रहेगा 2500 रुपया पर ईयर, आपको ट्यूशन फ़ी देना रहेगा 0 रुपया पर ईयर, यानी कि एससी एसटी के लिए कोई ट्यूशन फ़ी नहीं लग रहा होता, फ्री में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ़ी का बात करें तो रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको सेम ही देना रहेगा 2100 रुपये, जितना ओबीसी जनरल को देना रहता है।
अगर एग्जाम फी का बात करें तो एग्जाम फी में आप लोगों को काफी ज्यादा रिलीफ मिल रहा होता है, 700 रुपया देना रहता है पर सेमेस्टर। आप समझ सकते हैं जनरल ओबीसी 3700 रुपया देते हैं और यहाँ पर 700 रुपया देना है, काफी बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है। अगर हॉस्टल फी का बात करें तो हॉस्टल फी आपको सेम ही देना रहता है 1000 पर मंथ, और मेस फी का बात करें तो मेस फी भी आपको सेम ही देना रहता है 3000 पर मंथ, ठीक है। अगर टोटल फी का बात करें, यहाँ से अगर आप बीटेक अपना कंप्लीट करते हैं तो टोटल आपका एक्सपेंस कितना आ रहा होगा, तो अगर मेस फी और हॉस्टल फी को हटा दे तो आपका टोटल फी 17700 रुपये लग रहा होगा 4 साल के अंदर। आप समझ सकते हैं कि 17700 रुपये मात्र आपका लगता है यहाँ से बीटेक कंप्लीट करने में, यानी कि 400 के आसपास मंथली आपका लग रहा है, ये काफ़ी अफोर्डेबल है। ये तो बात रहा आपका फी स्ट्रक्चर का कि आपको कितना फी पे करना रहेगा। अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप का कि क्या यहाँ से स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति वगैरह मिल रहा होता है कि नहीं मिल रहा होता है। तो बेसिकली दो प्रकार का छात्रवृत्ति आपको मिल रहा होता है। पहला प्रगति, प्रगति सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, इससे सिर्फ गर्ल्स को ही पैसा मिल रहा होता है, जो कि टोटल अमाउंट 1 साल के अंदर 50 से 60 हज़ार रुपया आ रहा होता है, ठीक है। दूसरा हमारा PMS यानी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, ये आपको गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए रहता है, बट इसमें यही दिक्कत है कि इसमें जनरल कैटेगरी के लिए कुछ नहीं रहता है, जनरल कैटेगरी को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा होता है, लेकिन OBC वाले SC ST वाले गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ले सकते हैं PMS का बेनिफिट्स, ठीक है। यहाँ से आपको PMS से आपको 15 से 20 हज़ार रुपया पर ईयर मिल रहा होगा इस स्कॉलरशिप के थ्रू। इसके अलावा भी अगर आपके पास एडमिशन कराने के लिए पैसे नहीं है तो आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का भी बेनिफिट्स ले सकते हैं, जिसमें आपको लोन मिल रहा होता है 4% के इंटरेस्ट पर, और ये आपका इंटरेस्ट लग रहा होता है 6 साल बाद से, और इसको आप पे कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। सो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी। सो अगर प्लेसमेंट्स का बात करें कि यहाँ से आपका बीटेक डिग्री कंप्लीट करने के बाद जॉब लग रहा होता है कि नहीं लग रहा होता है, तो यहाँ से आपका प्रॉपर जॉब लग रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सवोल्ट एनर्जी नाम के कंपनी ने, जो कि 5 LPA का यानी कि 5 लाख पर NM का पैकेज देते हुए 2 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, इसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं इन दोनों बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था आपका न्यूट्रॉनिक्स कंपनी में, जो कि 5 LPA का ही पैकेज था, यानी कि 5 लाख पर NM आपका एनुअल पैकेज था, और इन दोनों बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था न्यूट्रॉनिक्स में। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इन सारे बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था टेक्नो नुक में, जो कि 4 से 6 LPA CTC के पैकेज से हुआ था, जो कि काफ़ी अच्छा पैकेज है, यानी कि 4 से 6 लाख आपका एनुअल पैकेज मिला था। तो ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट्स नहीं होते, प्लेसमेंट्स होते हैं इन कॉलेजेस में, और ये तो बस शुरुआत है, अभी कॉलेजेस न्यू हैं और काफ़ी सारे ब्रांच न्यू ऐड हुए हैं। तो अगर 4 साल का बात करें कि जब आपका एडमिशन हो रहा होगा फिर आपका डिग्री कंप्लीट हो रहा होगा, तो फोर श्योर आपका प्लेसमेंट अच्छा जाएगा ही जाएगा। और इस कॉलेज का लोकेशन काफ़ी सही है, ये कॉलेज आपका रोड पर प्रेजेंट है, यानी कि आपको मॉल वॉल के पास में ये कॉलेज देखने के लिए मिल जाएगा। सो अगर ओवरऑल प्लेसमेंट का बात करें तो यहाँ से ऑलमोस्ट 70% स्टूडेंट गेट प्लेस्ड, यानी कि लगभग हर साल 70% बच्चा प्लेस्ड हो जाते हैं इस कॉलेज से, ठीक है। अगर एवरेज पैकेज की बात करें तो एवरेज पैकेज आपका 4 लाख है, 4 लाख यानी कि 4 LPA लाख पर NM। अगर हाईएस्ट पैकेज का बात करें, यहाँ से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पैकेज कितना का गया था, तो आपका 8 LPA यानी कि 8 लाख पर NM। तो ये रहा हमारा कंप्लीट रिव्यू, होप करते हैं कि आपका सारा डाउट इस कॉलेज के रिलेटेड क्लियर हो रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी बेनिफिशियल लग रहा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।